दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन का एक और पोयम, डेथ बी नॉट प्राउड, मौत तुम घमंड मत करो। ये जो पोयम है दोस्तों, ये पब्लिश हुई थी जॉन डन के मृत्यु के बाद 1633 में। और ये जो पोयम है, इसका एक और नाम है होली सोनेट 10। ये होली सोनेट जॉन डन का पोयम का सीरीज था। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं और पोयम को लाइन बाय लाइन एनालाइज करते हैं। ये जो पोयम का फर्स्ट कुछ वर्ड्स है, ये इस पोयम का टाइटल भी है। तो पोएट कहते हैं कि डेथ बी नॉट प्राउड, डेथ यानी कि मौत तुम घमंड मत करो। दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल। माइटी मतलब होता है दोस्तों शक्तिशाली, और ये जो ड्रेडफुल है, इसका मतलब होता है भयानक। तो यहाँ बताया गया है कि कुछ लोग कहते हैं कि मौत तुम शक्तिशाली हो और तुम बहुत ही भयानक हो, लेकिन तुम्हें इस पर इतना भी घमंड नहीं करना चाहिए। फॉर दो आर्ट नॉट सो, जितना तुम सोचते हो कि तुम शक्तिशाली बहुत हो, तुम उतने भी शक्तिशाली नहीं हो। फॉर दोस हुम दो थिंक दो डोस्ट ओवर थ्रो, मृत्यु तुम्हें लगता है कि तुमने लोगों को मार दिया और उन्हें मार कर तुम जीत गए। डाई नॉट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कभी भी मरते नहीं। पुअर डेथ नॉर येट कांस्ट दो किल मी। तो यहाँ पोएट कहते हैं कि डेथ, तुम पुअर हो यानी कि तुम गरीब हो, तुम सोचते हो कि तुमने इंसानों को मारा, लेकिन ऐसा नहीं है, और तुम मुझे तो कभी भी नहीं मार पाओगे। यहाँ पोएट कह रहे हैं डेथ को कि तुम मुझे कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर बी मच प्लेजर दैन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो। दोस्तों, एक चीज़ बता दूँ, आपको तो पता ही होगा, ये जो दी है, इसका मतलब होता है यू यानी कि तुम। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि हम इंसानों को आराम कर कर और सो कर बहुत ही सुकून मिलता है, और हमें मार कर तो तुम हमें हमेशा के लिए ही सुला देते हो, तो इससे तो हमारा ही फायदा है, यानी कि हमें अब हमेशा के लिए आराम मिलेगा मरने के बाद। एंड सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन विथ दी डू गो। और मौत, तुम तो हमारे बेस्ट मैन यानी कि हमारे जो अच्छे लोग हैं, तुम उन्हें भी मौत दे देते हो, तो इससे तो उनका ही फायदा है। क्योंकि अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। सोल मतलब होता है दोस्तों रूह यानी कि आत्मा। जो तुम उन्हें हमेशा के लिए सुला देते हो, तो इससे तो उनकी जो हड्डियां है, उन्हें आराम मिलती है, और उनका जो रूह, उनके बदन में कब्जा था यानी कि उनके बदन में जो रूह कब्ज था, वो अब आज़ाद हो जाता है, तो इससे तो मरने वाला का ही फायदा हुआ। दो आर स्लेव टू फेट चांस किंग्स एंड डेस्परेट मैन। स्लेव मतलब होता है दोस्तों गुलाम। तो पोएट मौत को यहाँ कहते हैं कि तुम गुलाम हो, किसका, फेट का। फेट मतलब किस्मत, इंसान जो है वो अपनी किस्मत से मरता है, तो तुम यहाँ पर किस्मत के गुलाम हो गए। और चांस, यहाँ मैं अच्छे से कहूँ तो दोस्तों, जब नेचर डिस्ट्रॉय होता है यानी कि कुछ भी घटना होता है, जैसा कि फ्लड आता है, तो जो इंसान है वो उस फ्लड में डूब कर मर जाता है। तो इसलिए यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मौत, तुम चांसेस का गुलाम हो, और तुम गुलाम हो किंग्स यानी कि जब राजा शासन करता है, तब वो बहुत सारे लोगों को मृत्यु का फैसला देता है, तो इसलिए जो मौत है वो किंग्स का भी गुलाम है, और तुम गुलाम हो डेस्परेट मैन यानी कि जो लोग गंदे काम करते हैं, तो वो उससे क्रिमिनल बन जाते हैं, और उन्हें फैसला सुनाया जाता है सजाए मौत का, तो तुम जो हो वो डेस्परेट मैन का भी गुलाम हो यानी कि क्रिमिनल्स का। एंड डोस्ट विथ पॉइजन वॉर एंड सिकनेस ड्वेल। ड्वेल मतलब होता है रहना यानी कि लोग जिस जगह पर रहते हैं।
तो यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि मौत तुम घर हो, किसका किसका घर, पॉइजन यानी कि जहर, मतलब जहर खाकर आदमी मरता है, तो इसलिए जो मौत है वो जहर का घर है, और वो युद्ध युद्ध का भी वो घर है, क्योंकि वॉर में जो इंसान है वो फाइट कर कर लड़ता है और वो मर जाता है, और ये जो सिकनेस है इसका भी घर है मौत, क्योंकि जो बीमारी है वो भी इंसान को मार देता है, तो इसलिए मौत इन तीनों चीज़ों का घर है। एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। पॉपी मतलब होता है अफीम, तो यहाँ पोएट कहते हैं कि इंसान अफीम खाकर और जादू से भी सो सकता है, और वो जो नींद है ना, एंड बेटर देन द स्ट्रोक, वो तुम्हारे दिए हुए नींद से भी अच्छी है, यानी कि इन चीज़ों से अच्छी नींद आती है, मौत से भी अच्छी नींद, यानी कि जो नींद मौत भी नहीं दे सकता। वाई स्वेलेस्ट दाउ देन, तो तुम्हें किस बात का घमंड है, नशा तुमसे अच्छा सुलाती है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी मेक इटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल्ट डाई। इटर्नली मतलब होता है सदा, यानी कि हमेशा के लिए, तो यहाँ पोएट कहते हैं कि जैसे ही हम सोते हैं यानी कि जैसे ही हम मरते हैं तो हम हमेशा के लिए उठ जाते हैं, यानी कि हम अमर हो जाते हैं, और जो तुम हो तुम्हारा वजूद खत्म हो जाता है, यानी कि तुम मर जाते हो, क्योंकि तुम हमें एक ही बार मार सकते थे, बार बार नहीं।